सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल में केस करने का कोई फायदा है या नहीं क्लास नाइन्थ और इलेवें के बच्चों का ये क्वेश्चन है क्योंकि तो अब एग्जाम ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले बहुत जल्द तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कोर्ट में केस करेंगे के तो कोई फायदा होगा तो गाइस देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कोर्ट में अब सीबीएसई के खिलाफ अगर अपने केस करते हैं तो अपने पास में टाइम मुश्किल से बचा है अब मुश्किल से अपने कितना भी कर ले मुश्किल से अपनों को दस से बारह दिन बचे अपनों के पास में क्योंकि बीच में हॉलीडेज आएगी संडे आएगा तो गाई मुश्किल से दस से बारह दिन बचे अपनों के पास में पी फाइल करने के तीन दिन बाद में पी फाइल जो है वो जाती है कोर्ट के अंदर अगर उसे कोर्ट रिजेक्ट नहीं करता तो तो पहले वो एक्सेप्ट होती है उसमें उसके बाद में गाय पी फाइल करने के खर्चा लगता है अप्रोक्सीमेटली पंद्रह बीस हज़ार आती है फीस तो गाइज़ फीस की टेंशन नहीं है फीस अपने डोनेशन करके या फिर मैं अपनी तरफ से हाई अमाउंट पे कर दूंगा बच्चों के लिए मैं इतना पे कर सकता हूँ कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं से लोन लोन लेकर आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा फीस की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गाइज कंडीशन ये है कि वन वीक के अंदर या फिर टेन डेज के अंदर कोर्ट का आज तक रिजल्ट आया नहीं है कोर्ट का रिजल्ट आने में लगभग पंद्रह से बीस दिन लगते हैं और गाइज अगर जिस दिन आपके स्कूल वालों को पता लग गया कि कोर्ट में बात चल रही है तो स्कूल वाले जल्दी जल्दी ऑफलाइन एग्जाम करवा देंगे जिससे कोर्ट का कोई फैसला आए उनका समझ ले लें और सी बी एस ई भी बैक एंड स्कूल को यही गाइडेंस देगी कि जल्दी से आप अपने ऑफलाइन एग्जाम कंप्लीट करा लो तो गाइज कंडीशन दोनों तरफ तो से फंस रखी है तो मैं आपको इतना कहूंगा अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम कराने तो कोर्ट के ऊपर अब मेरे को भरोसा उतना रहा नहीं है क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के कोर्ट है पंद्रह बीस दिन लगते है फैसले में तो जब तक फैसला आएगा तब तो तक बच्चों के एग्जाम भी हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अब जाने का कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है तो गाइज इस कंडीशन में अगर आपको एग्जाम अपने ऑनलाइन कराने तो अपनी प्रॉब्लम स्कूल को बताओ समझाओ प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात करो मेल मत लिखो ना ही टीचर के थ्रू बोलो खुद जाओ ग्रुप बना के और प्रिंसिपल मैम को सर को बताओ अपनी प्रॉब्लम वो सुनेगे और समझेंगे कोई भी टीचर हो कोई भी प्रिंसिपल हो वो हमेशा बच्चे का अच्छा ही चाहता है वो बिजनेस भी करेगा तो भी पहले उसको यही देखेगा कि बच्चे का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा तो प्रिंसिपल को प्रॉब्लम समझाओ मैं भी अपनी तरफ से प्रिंसिपल से स्कूल्स में बात कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ बच्चों की जितनी हेल्प कर पाऊँ तो क्या कोर्ट का अगर आपका क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट का कोई फायदा नहीं है कुछ लोग आपको बोलेगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा वो करूंगा वो करूंगा सच्चाई है अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उतना फायदा नहीं रहा जब टाइम था तब किसी ने सपोर्ट नहीं दिया मैंने पर्सनली लोगों को कॉल किए कि सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं लेकिन कोई सपोर्ट दिया ही नहीं आज बच्चों के इंटेंशन लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि मेरे सा पेरेंट्स नहीं मेरे सा वो नहीं मैं था ना उस टाइम कोई मेरे पास नहीं आया था उस टाइम मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल को मेल लिखी मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल को कॉल किया कि अपने सारे बच्चों के बिहार पे सुप्रीम कोर्ट में एक पी फाइल करते लेकिन किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं क्योंकि जिनका मोटिव बिजनेस करने का हो गया है जिसका मोटिव सब्सक्राइबर गेन करने का या फिर लाइक गेन करने का हो गया है वो फिर कभी भी बच्चों का बेनिफिट नहीं देख सकता जो लाइक आकर लाइव आके लाइक और सब्सक्राइबर ही मांग रहे हैं डोनेशन मांग रहे हैं वो बच्चों का क्या तो फ़ायदा देगी मैंने वीडियो बना बना के बच्चों को बच्चों के थ्रू बोला कि सारे एक साथ हो जाओ सारे एक साथ हो जाओ पर किसी ने सुना ही नहीं उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल को भी बोला कि सारे लोग साथ में आ जाओ पर कोई साथ में आया ही नहीं और उसी वजह से अगर आज अपने ये कंडीशन में आए है हारने वाले मतलब अपनी मेहनत फेल होने वाली है उसकी मैं वजह अपने आप को ही मानूंगा और किसी को नहीं मानता लेकिन गाइज़ मैं आपके लिए इतना करूँगा कोशिश करूँगा आप सभी के लिए कि जहाँ तक हो सके आपकी स्कूल्स में बात करूँगा कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम ऑनलाइन करवा सकूँ तो गाइज थोड़ा इस वीडियो में ज़्यादा ही मैं भूल गया लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा मैं भी जितने आप दुखी हो उससे ज़्यादा मैं दुखी क्योंकि मेरी भी मेहनत है और आपकी भी मेहनत है तो गाइज प्रे करता हूँ कोई आपके लिए अच्छी डिसीजन आ जाए अगर कोई डिसीजन वगैरह न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा तब तक गाइज आप सभी को एक ही काम करना है इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता लगे कि कोर्ट में अब केस करने का फायदा रहा या नहीं रहा बाकी कोई पार्ट ना समझ आए तो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और अगर कॉल करनी तो गायद मेरे को आप कॉल कर सकते हो शाम के छः बजे के बाद में क्योंकि छह बजे तक मैं स्कूल में बात करता हूँ तो गायद इस वीडियो में इतना ही अपने फीमिल नेक्स्ट वीडियो में तब, तब तक आस नहीं करते रहो सेफ रहो